नमस्कार दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप हमारी आने वाली नई न्यूज वीडियो देख पाए सबसे पहले। भोपाल साउथ के SP सिद्धार्थ बहुगुणा ने प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हुए सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिया था। वे शुरू में 3 बार एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन 4 TH bar में उन्होंने रिटर्न और इंटरव्यू दोनों क्रैक कर लिए। सिद्धार्थ ने बताया कि सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर करने के बाद इंटरव्यू में उनसे किस तरह के सवाल पूछे गए थे। मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हुए IPS के लिए चुने गए सिद्धार्थ बहुगुणा उत्तराखंड के देहरादून के रहने वाले हैं। पिता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में डायरेक्टर जनरल थे। सिद्धार्थ ने 10 TH देहरादून से और 12 TH दिल्ली से पास किया। दिल्ली IIT से 2005 में BTech कंप्लीट किया। उसके बाद सिद्धार्थ ने PwC और प्राइस वाटर कूपर हाउस कंपनी में 3 साल तक जॉब किया। सिद्धार्थ ने जॉब करते करते 2007 सेकंड सिविल सर्विस का एग्जाम देना शुरू किया और 2010 में सिलेक्ट होकर वे IPS बने। सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स इन कॉमन बातों का ध्यान रखें। इंटरव्यू में सिर्फ ओपन माइंड के साथ जाना चाहिए। इंटरव्यू में पर्सनैलिटी चेक होता है, इसलिए अपने पहनावे पर भी ध्यान देना चाहिए। कॉमन इश्यूज पर ध्यान देना चाहिए। अखबार की रूटीन खबरों पर भी ध्यान देना चाहिए। इंटरव्यू में सवालों के जवाब बड़ा चढ़ा कर नहीं देने चाहिए। इंटरव्यू में सभी को अपने लोकल टाउन और प्लेसेस की पूरी जानकारी के साथ जाना चाहिए। इंटरव्यू में इस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। क्वेश्चन 1, क्या पानी को मुट्ठी में बंद किया जा सकता है? आंसर, पानी यदि लिक्विड फॉर्म में होगा तो ये असंभव है, लेकिन बर्फ फॉर्म में ये पॉसिबल है। क्वेश्चन 2, यदि ड्यूटी के समय कोई पॉलिटिकल प्रेशर आए तो आप क्या करेंगे? आंसर, ड्यूटी के समय कोई पॉलिटिकल प्रेशर आएगा तो सिचुएशन के अनुसार मैं सिर्फ प्रेजेंट कंडीशन को देखूंगा। मेरा मोटिव रहेगा कि पूरी ईमानदारी के साथ मैं उस कंडीशन को हैंडल करूं। क्वेश्चन 3, आपकी IIT की डिग्री है, सिविल सर्विसेज में कैसे काम आएगी? आंसर, IIT की डिग्री आपको पॉजिटिव एप्टीट्यूड देता है। मेरे सामने कई ऐसे मौके आएंगे जिसमें मुझे लॉजिकल और साइंटिफिक एप्टीट्यूड के साथ आगे बढ़ना होगा, वहाँ मेरी ये डिग्री काम आएगी। क्वेश्चन 4, आपको यदि रात में 3 बजे कोई किसी घटना होने की सूचना देता है और वो स्थान 10 km दूर है तो आप क्या करेंगे? आंसर, मैं सबसे पहले उस घटना की गंभीरता को समझते हुए संबंधित थाने को कॉल करूंगा और अफसरों को मौके पर भेजने के बाद कॉल पर अपडेट लेता रहूंगा। जरूरत होगी तो मैं भी मौके पर पहुंचूंगा। क्वेश्चन 5, यदि आप कलेक्टर हैं तो आप क्या करेंगे? आंसर, यदि मैं कलेक्टर हूं तो सबसे पहले मैं अपने इलाके की बेसिक कमियों के बारे में पता करूंगा। जिले में कहां क्या समस्या है ये पता करूंगा। फिर संबंधित अधिकारियों से मिलकर उस विषय पर मास्टर प्लान बनाकर आगे का काम करूंगा। क्वेश्चन 6, आप सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाहते हैं? आंसर, हर किसी को अपनी जॉब में 3 चीजें चाहिए होती हैं: जॉब सेटिस्फेक्शन, जॉब सिक्योरिटी और जनता की सेवा करने का मौका। सिविल सर्विसेज में आने से मुझे ये 3 चीजें मिल सकती हैं, इसलिए मैं इसमें आना चाहता हूँ। यदि दोस्तों आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ।